वहाँ पर दी है। तो इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए और जितना हो सकता है इस कोर्स को लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मुहिम है घर घर तक एंड्रॉयड वालों को आईफोन पहुँचाना। थैंक यू वेरी मच, और बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला, और ऑल द बेस्ट। यूँ ही काम करते रहिए, मोटिवेटर रहिए अपनी लाइफ को। स्किल मैंने हमेशा कहा है लोगों से, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे, एक गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप के साथ गुरु का आशीर्वाद, और एक आपकी स्किल आपके। तो और जो लोग स्पेशली घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि सर हम तो घर से भी नहीं जा सकते और हमें कोर्स चाहिए, तो उन लोगों के लिए तो बहुत एक अच्छी बात है। ये सिर्फ आईफोन के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ एंड्रॉयड के लिए आप कोई मैसेज कोई कॉल मत करो। एंड्रॉयड में हम प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं और एंड्रॉयड हमारा ऑफलाइन कोर्स है, और हमारा एंड्रॉयड में आप अगर आना चाहें तो हमारे कॉल दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बट अगर आप हमारा आईफोन कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। और दोस्तों एक जस्ट अभी 20 तारीख तक मैं इसमें आईफोन एक्स भी लॉन्च कर दूंगा। अभी एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगर आईफोन 6 अभी यहां पर लेता है, आईफोन एक्स उसके लिए जस्ट 50% ऑफ हो जाएगा। तो आप कहां से परचेस कर सकते हैं? आप डेस्कटॉप से कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप नेपाल से देख रहे हैं, आप कतर से देख रहे हैं, आप यूएई से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के खासतर लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि भैया ये आप भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ इंटरनेट है। ये पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री ये यूज़ कर सकता है। आपने बस क्लिक करके गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से बाय करना है, पर एक कूपन कोड डाल लेना। फिलहाल जो भी मैं आपको दे रहा हूँ आईफोन कैपिटल लेटर, तो कूपन कोड डालना आईफोन। हेलो गाइस, हाय, मैं देवेंद्र ग्रोवाल एसर टेलीकॉम से। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था बट मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारा नया बैचेस चालू हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक में जाके लाइव देखिए, 4 लाख से भी ज़्यादा लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है दोस्तों स्पेशली मेरे आईफोन के आईफोन मास्टर कोर्स। मैंने आईफोन का अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है बट बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इस कोर्स में मैं दे क्या रहा हूँ। बहुत से लोगों को अभी तक शायद नॉलेज नहीं है। अभी मैं ये कहना चाहूँगा 1000 से ऊपर ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है और तकरीबन 200 पहुंच गए हैं यहाँ पर। लोगों ने एप्लीकेशन को परचेस किया और काफ़ी अच्छा इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बहुत ही कम फीस में दिए जाने वाला है, पहला कोर्स है इंडिया का जिसमें आईफोन को केवल मात्र 5,500 रुपये में, अगर हम बात करें डिस्काउंट जो कि 50% में दे रहा हूँ उसको हटा के भी करें तो 5,500 रुपये में आपको एक आईफोन का सर्टिफाइड कोर्स मिल रहा है। दोस्तों इस कोर्स में आपको मैं क्या दे रहा हूँ, तो यही आज जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इससे कनेक्ट रहिए। अगर आप एंड्रॉयड पे काम करते हैं और आईफोन बनाना चाहते हैं बट अभी आपके पास में 50-60,000 1,00,000 ऐसी कोई फ़ीस नहीं है किसी इंस्टीट्यूट को देने के लिए, और आप चाहते हैं कि घर बैठे आप ये काम करें। देखो ये कोर्स दोस्तों मैं कंपेयर नहीं करूँगा इंस्टीट्यूट वाले कोर्सों से, क्योंकि बेसिकली इस कोर्स को मैंने मास्टर लेवल पर बनाया है। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पढ़ाते हैं। आईफोन के लेवल पर बात करें उसमें भी वो आईफोन प्लस एंड्रॉयड घुसाते हैं, एक दिन आईफोन एक दिन एंड्रॉयड, ठीक है। तो जो भी है वो तो पढ़ के आने वाला ही पता है उसको कि क्या पढ़ा है क्या नहीं। बट आप ये समझो कि अगर आप 20 दिन भी किसी एक आईफोन का कोर्स अटेंड करते हो, मान लो देखो पर्टिकुलर आईफोन की बात करें दोस्तों, एंड्रॉयड की जैसे नहीं है। एंड्रॉयड बेसिकली सीपीयू बेस्ड होता है, आपको तो पता ही है। मीडियाटेक का वाईफाई का कंसेप्ट पढ़ लिया तो मीडियाटेक के बहुत सी वाईफाई को बनाया जा सकता है, तो उसमें तो हम काम कर सकते हैं। एमएमसी का कंसेप्ट पढ़ लिया तो हम सारी एमएमसी को बना सकते हैं, बट आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में मॉडल वाइज कोर्स होता है, मॉडल वाइज जानकारी होती है और मॉडल वाइज ही उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं और मॉडल वाइज। ऐसा नहीं है कि मैंने आईफोन एक्स पढ़ा दिया या आप आए और मैंने सीधे बोल देखो आपके अपग्रेड आप अभी तो आईफोन 11 आएगा, लो भाई आईफोन 11 का सर्किट खोला बता दिया ये ऐसा ऐसा ढूंढ लेना, ये आईफोन 6 में मिलेगा 7 पे मिलेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आईफोन ना मॉडल के हिसाब से चलता है। मॉडल्स अगर बात करें अभी भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे इंडिया में या इंडिया के बाहर, वो यही है 6 to 14 Pro Max ऐसा कुछ करके आपको बताएंगे। बट हाँ ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोला पढ़ा नहीं रहे। देखो ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा रहे होंगे ऑब्वियस है। बट आप ये समझिए कि 15 दिन में उनको आपसे CPU भी लगवाना है,
है आपसे, आपसे ब्लैक पेस्टेड आईसीआर भी करवानी है, आपको प्रोटोकॉल्स भी समझाने हैं, आपको नेंड भी करवानी है, फेस आईडी करवानी है, हाँ डिस्प्ले के एरर हो, बहुत सारी चीज़ हो गई जो कि आईफोन में है अभी। जेसी आईडी आपको बतानी है, V1 SE ये जो आपका नया एक फीचर्स आया उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ले दे के मतलब बताना बहुत कुछ है। अब आप सोचें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक कोर्स की बात की जाए, एक फ़ोन की बात की जाए, तो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा, और ये स्क्रीनशॉट मेरे एप्लीकेशन का है जिसमें अगर आप मेरे कोर्स के अंदर जाएंगे, जिसमें मैं आईफोन 6 की अगर बात करूँ तो कोर्स के अंदर जाएंगे तो मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा जिसमें मैंने अभी मॉडल वाइज मास्टर कोर्स निकाला है। दोस्तों ये कोर्स पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम फीस में मैं दे रहा हूँ, तो इसमें मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस कोर्स को लेकर CPU निकाल लेंगे और मास्टर बन जाएंगे। नहीं, इस कोर्स से आप ना सर्किट का नॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा और आपको यूट्यूब कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें मैंने डाली ऐसी चीज़ है। अगर मैं इसमें कंटेंट की बात करूं तो इस कोर्स में आपको देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आ गई होगी आईफोन 6 की, तो ये वीडियो ज़रूर ध्यान से सुन देखिए क्योंकि फ़ायदा आप ही का है। 5,500 में आपको कोई ऐसा कोर्स नहीं दे रहा है, और दे भी रहा होगा ना तो आपको ये कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। 1 साल लगा है मुझे इसको डिज़ाइन करने में, और अभी मैं आईफोन X लाने वाला हूँ क्योंकि मुझे इनको बनाने में काफ़ी समय लगा है और दिन रात की मेहनत के से आपको ये कोर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ। देखिए आईफोन 6 की बात करूँगा ना, टोटल 36 चैप्टर हैं आईफोन 6 में। NFC हो गए, फ्लैशिंग एरर हो गया, शुरू से बताता हूँ। सेक्शन वाइज बूट सिक्वेंस, मतलब हर सेक्शन का बूट सिक्वेंस है। बोर्नियो जैसा नहीं कि बोर्नियो खोल दिया और 6 लाइन दिख रही है, इसको कोई भी 1 लाइन पढ़ा दी और 3री लाइन नहीं, ऐसा नहीं। अब वो पागल नहीं बनाना है किसी को। बोर्नियो खोल के हम पागल नहीं बनाते बाकी के जैसे, नहीं। फिर बूट सिक्वेंस सर्किट वर्किंग, मतलब सबसे पहले बूट सिक्वेंस की कैसे फ़ोन ऑन होता है एक नेक्स्ट लेवल पे, जिसमें किस तरह से आपका OBP MOSFET ऑन होता है, कौन सा MOSFET है, कैसे आपका जो चार्जिंग है और जो टिग्रिस है उससे वो आगे जाती है, आपकी VCC आपका बनता है VCC से, तो बेसिकली ये सारी चार्ज BBAT से VCC बनता है, यही X में VDD, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है। डिस्प्ले सर्किट हो गया विथ सोल्यूशंस, लाइट सर्किट हो गया, टच आईडी हो गई, चार्जिंग सर्किट, U2, ऑडियो हैंडसेट, माइक, स्पीकर, रिसीवर, M8, वाईफाई, NAND, NAND को तो बहुत प्रैक्टिकली मैंने बताया है क्योंकि NAND प्रैक्टिकली ही बताने, पर मैंने सर्किट भी बताया है, मैंने NAND के एक एक सप्लाइयों के बारे में बात की है, बेसबैंड सर्किट, नेटवर्क सर्किट। यहाँ पर 90% होता क्या है कि सिर्फ स्वैपिंग मारो, मतलब अगर कोई चीज़ नहीं वर्क कर रही है तो स्वैपिंग मार दो, पर डायग्नोस नहीं करेंगे क्योंकि सीधी बात बोल दी जाएगी, इतना कहाँ लंबा चौड़ा डायग्नोस करोगे। बात तो सही है और कोई भी नहीं करता है, और बट अगर आपको समझना है तो मैं बोलता हूँ कि मास्टर लेवल पे कि नहीं मैं तो उतरना चाहता हूँ, तो फिर मैं आपके लिए कोर्स बहुत बेटर है। और 5,500 में आप एक हार्ड डिस्क नहीं खरीद पाएंगे, बट आप इतना नॉलेज उठा लेंगे। बेसबैंड सर्किट कैसे, बेसबैंड सर्किट आपका BBCPU वर्क करता है, उसको कौन कौन से वोल्टेज मिलते हैं, उसको BBPMU क्या वोल्टेज देता है, कौन सा सिग्नल क्लॉक सिग्नल उसको जनरेट करती है, 2G बैंड सर्किट है, 3G बैंड है, 4G बैंड है, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, कहाँ DSO लगाएं, कहाँ पर स्विचिंग हो रही है, सिम सर्किट हो गया, ब्लूटूथ सर्किट कैसे काम कर रहा है, फ्लैश LED सर्किट है, वाइब्रेटर है, LDO, तो थर्मिस्टर लोकेशन कहाँ है पर्टिकुलर मॉडल वाइज, तो DC मशीन बूट सिक्वेंस। अभी की डेट में आप अब किसी भी इंस्टीट्यूट जाते होंगे तो 90% सिर्फ DC मशीन बूट सिक्वेंस बता रही है कि देखो RAM की रीडिंग ये हो गई, देखो ये इसकी रीडिंग हो गई, यहाँ पर आया तो आपने I2C लाइन चेक करनी, यहाँ पर आया तो आप ऐसा करोगे। तो भैया वो तो अब गली का हर एक दुकान वाला जानता है, और मेरे हिसाब से वो चीज़ से ऊपर बढ़ाना है अब तो आईफोन 6 कंप्लीट बेसिक, तो मैंने है ना, तो समझो कि इतनी सारी जो चीज़ है दोस्तों, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 6 मॉडल में आपको मिलने वाली हैं, और अभी मैंने सिर्फ 6 ही मॉडल बनाया है। तो प्लीज़ अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं या ये कोर्स को परचेस कर रहे हैं, कैसे परचेस करना है मैं पूरी डिटेलिंग दूंगा, तो नीचे जब आप लिंक में जाएंगे क्लिक करेंगे तो उससे जाने से पहले थोड़ा प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए। पहली बात तो दोस्तों इसमें 7X
किसी की बात नहीं की गई है। और मैं चाहता हूँ, देखो आप ना 5,500 रुपये देकर अगर आप 1 महीना 2 महीना अगर ये कोर्स पढ़ते हो मेरा और धीरे धीरे आप थोड़ा नॉलेज देते हो, तो मुझे लगता है कि आईफोन के अंदर आप इतना घुस जाओगे, वो जो 40-50 हज़ार का आईफोन एक्स का कोर्स करके आना 11-12 का, वो भी आपको शायद उतना नहीं बता पाए जितना आप बता दोगे, पहली चीज़। और ऐसा नहीं है सिर्फ इसमें थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल भी मैंने दिया है और जहाँ जहाँ मुझे लगा है वहाँ मैंने प्रैक्टिकल भी दिया है और सारी इसमें SMD सब कुछ बताया। मैं अभी वीडियो भी थोड़ा प्ले करने और कोर्स का कंटेंट भी प्ले करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोस, फोटोज, सॉल्यूशंस दिए हैं, सिर्फ ये भी नहीं कि पढ़ा दिया मुझे, मैंने ये भी बताया है कि कैसे आपको डायग्नोस करना है, पहला कौन सा कंपोनेंट ढूंढना है, पहला कैपेसिटर पे किस पर पहला वोल्टेज ढूंढना है, किस पर दूसरा वोल्टेज ढूंढना है, और अगर नहीं मिले तो क्या काम करना है। सो ले देके ये सारी चीज़ें आपको बहुत अलग तरीके से बताई हैं। ये मैंने मेरे अब तक के कैरियर में मैंने काफ़ी जो इंग्लिश स्कूलों से सीखा हो या जो भी सीखा है, तो मैं समझ सकता कि सबको मिलाकर मैंने आपके लिए जो थ्योरी बनाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। मैंने कोई बाईपास नहीं किया, मैंने पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको एक्सप्लेन किया। तो ये कोर्स में दोस्तों आपको सिर्फ आईफोन 6 मिलेगा। आप 5,500 में ये मत सोचिए कि मैं आपको बोलूं कि सर इसमें तो सिर्फ आईफोन 6 है, हमारे पास तो आईफोन 11 है तो हम क्या करें। सो आपको वेट करना पड़ेगा। आप अगर आप तो मैं अभी आईफोन X लेके आऊँगा, उसके बाद फिर आईफोन 11, फिर आईफोन 12। देखो दोस्तों, मुझे आईफोन के अंदर मैंने बोला ना, ये नाम ही इसका मास्टर कोर्स है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं 50 वीडियो दूँ और 50 वीडियो में बोलूँ कि X से लेकर 14 प्रो तक है भाई सब देख लेना, और आधे से ज़्यादा सब आप नोटिस करो कि मैंने सिर्फ एक ही कोर्स में 35 चैप्टर दिए हैं, क्योंकि मेरे को ना आपको हर एक मॉडल को बहुत तरीके से एंडलेस पढ़ाना है और यही मेरा नॉलेज है, एंडलेस। हमेशा मेरा एंड्रॉयड में भी ये रहा है और आईफोन में भी ये रहा है। तो दोस्तों इसमें मैंने ZXW का भी यूज़ किया है, इसमें मैंने वूजिंग का भी यूज़ किया है, इसमें JCID का भी यूज़ किया है, और इसमें मैंने हर तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है जो आईफोन में यूज़ होते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कोर्स मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो अभी एंड्रॉयड में हैं और आईफोन में जाना चाहते हैं, तो ये एक छोटा सा बेसिक कोर्स है। दोस्तों KG अनलॉक खोल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही वो फ़ोन खुलने वाला है, वो तो सिर्फ हवा हवाई वाली बात है। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरफ ना जाकर अगर आप अपना झुकाव एक आईफोन के सर्किट पे करेंगे और ये कोर्स लेके थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, तो कहते हैं ना स्किल, अपना स्किल बढ़ेगा तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, आप में दम आएगी कि आप एक आईफोन भी कस्टमर से ले सकें और उसको बना सकें। क्योंकि अभी जो आप PCB देखते होंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा भाई ये कितनी ICI क्या काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि रोज़ अगर आप रात में एक वीडियो भी देखें और कॉपी किताब लेकर बैठ कर अपना नोट्स बनाएं, अगले दिन अगर उसी थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक डोनर बोर्ड पर भी कर लें, चालू बोर्ड पर, iCloud बोर्ड पे, तो मुझे लगता है कि शुरू के 1-2 महीने में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और ये आपकी सीखने वाली है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कोर्स लेने के बाद में आप मास्टर बन जाएंगे, पर आप बन भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें एंडलेस और एनिमेटेड सर्किट के थ्रू दिया है। फॉर एग्जाम्पल आइए मैं आपके सामने कुछ अपने कंटेंट प्ले करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ बात करेंगे ये वाली जो IC है, ये है WTR, जैसे कि आपने एंड्रॉइड में सुनी होगा। WTR से सेम चीज़, ये कन्वर्ट करता है IQ सिग्नल को और डिजिटल लेना और फिर एनालॉग। तो इतनी सारी IC है जो हमने फिलहाल देखी, PA है, 2G PA RF, तो इसको बोल सकते हैं 2G कॉइल्स, जो कि आपको मिलेंगे सीरीज में, ठीक है। और वही ट्रांसमिट IQ सिग्नल को 2G PA में पावर एम्पलीफायर में लो बैंड से लिया और 2G पावर एम्पलीफायर से कपलिंग WFR में जाएगा। तो नोटिस करो कि इन बैंडों के लिए WFR है और एक RF क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट डिफाइन पे जाकर, आइए समझते हैं इसमें। तो कोई दिक्कत जाती है तो सर्चिंग इशू, अनस्टेबल सिग्नल्स, ये मिल सकते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं 3G और 4G RF सर्किट, तो इस तरह से अलग, चलिए उनको हम मेगा बैंड बोलते हैं, राइट। तो ये ऑटोमेटेड सर्किट के थ्रू बनाया है, सो इस WTR सही होगा तो ही आप वर्क करेगा। फिर उसके बाद में क्या सब जो होंगे वो होंगे PRX, यहाँ पे TX नहीं दिया मैंने, और ये तब जाकर इन हो गया। अभी तो RFSI बस चेक करना बहुत जरूरी है, अब नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल पहला चेक कर लो लोअर एंटीना, लोअर एंटीना के साथ जुड़ा हुआ कौन GR लिखा है, तो GR चेक करो। मल्टीमीटर को हमने डायोड, तो नोटिस करो ऐसा चेक करना है, एक सिर आपको ग्राउंड पर रखना है, ठीक है बस करोगे, और एक सिर आप ब्लैक वाला रख दोगे आप यहाँ पर ग्राउंड के साथ, यहाँ चेक करोगे आपकी जो रीडिंग आनी चाहिए वही V-Band की,
तो ये सेकेंडरी लाइन जाएगी मतलब बीसी की, जो कि 1000 या 900 के ऊपर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं डेडवुड सीक्वेंस, किस तरह से हमारा फोन ऑन होता है। वुड से वुड मॉसफेट लगा होता है, उसके ड्रेन पे जाकर मिलता है। सेम ये वोल्टेज हमारे खुद को ऑन करेगा L1215। तो इस पर आपको तीसरे नंबर पे चेक करना है, मतलब यहाँ पे 1.0 मिल रहा है, ठीक है। बाक वोल्टेज तब आप इसको चेंज करना, ये क्रिस्टल ऐसा, ठीक है। फिर ये आ गया तो मतलब ये दो वोल्टेज तो आ गए, तभी एंड पर ये वोल्टेज बनेगा। तो देखो अभी मैं आप लोगों को चेक करेंगे, नहीं तो आप सीधे इस कॉइल पे चेक, तो आपकी लाइन इतनी रहेगी, ये चीज़ क्लियर हुई है। कॉइलों का जीरा देखें, ये जीपीयू की लाइन पे दो कलर है, बाकी का 110। चलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बार आपको वोल्टेज, तो देखो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0.85 मतलब 0.9, ये हमारा एस एस के ऊपर 1.8, ये दो पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर 3 वोल्ट आएंगे, तो बात कर यहाँ पर देखो ये एलसीएम 2 के ये दूसरे वोल्ट, ये जो लेयर है इसमें से ये जो लेयर है देखो रिसेट की, ये लेयर कट जाती है, अगर आपको चाहिए तो आप, तो बेसिकली आप ये सब जो भी डिस्प्ले में ना ज़्यादातर क्वालिटी में ये है, ये लाइट का कनेक्शन है, ठीक है। तो हाँ दोस्तों आप 7.1 रिसेट की लाइट का 21501 यही है मेरा आपका डिस्प्ले है, तो यही वन पे चेक कर सकते हैं डीएसओ से। सेम कनेक्शन का चेक कीजिए FL202, और अगर मान लीजिए वोल्टेज में जाते हैं तो मिट्टी की लाइन में ही प्रॉब्लम, सेट की लाइन के साथ। कल अगर आपका ये रिवोल्ट का कोई मतलब नहीं, 8 9 10 11 12 2 3 आप थोड़ा सपोर्ट से पकड़ के में दोस्तों ये सब चलता नहीं है एक्चुअली में। आप देखिए लाइट सेक्शन, सॉर्टिंग, नैन, मल्टीमीटर, थर्मल कैमरा, लाउड स्पीकर, यूएसबी सर्किट। आप सोच रहे हैं सर यूट्यूब उठाऊं कि ट्रिगर्स उठाऊं, सब बताया है, हर एक वोल्टेज कंपोनेंट की बहुत अच्छी डिटेलिंग दी है दोस्तों मैंने यहाँ पर। अगर मैं कंपोनेंट की डिटेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर मैंने बहुत सारी अच्छा कुछ अपने YouTube के वीडियो भी मैंने डाल दिए हैं, बट ठीक है। कैपेसिटर की वर्किंग, रजिस्टर टेस्टिंग विद वर्किंग भी यहाँ पे डाला हुआ है, मॉसफेट, डायोड, मतलब एक कंप्लीट कोर्स है बट आईफोन 6 में। देखो मैं ना आपको कोई ऐसा कोर्स नहीं देना चाह रहा हूँ कि जिसमें मैं बोलूँ कि भाई ये तो कंप्लीट है और परले देके सिर्फ 6 के ही सारे चैप्टर डल गए हैं, और एक्स में सिर्फ रिवोल्विंग बता दी, 2-3 चीज़ें यहाँ वहाँ की उठा के बता दी और बोला कि भाई ये कंटेनर भी मैं और डालूंगा ये कैच ना। मैं मेरा काम ऐसा का नहीं है दोस्तों, ना ही मेरा काम बेवकूफ़ बनाना है, तो मुझे पता है। और बट इसलिए मैंने पैसे भी बहुत कम रखे हैं, मैं चाहता तो उसको 10,000 में रख सकता था, 20,000 में रख सकता था, और एक मार्केट में इसको कंपटीशन के मामले में रख सकता था, बट मैंने क्योंकि मुझे ना ये कोर्स हर घर में हर एक बच्चे को देना है, मैं चाहता हूँ कि हर एक टेक्नीशियन जो एंड्रॉयड कर रहा है वो आईफोन पर समझे, और इसलिए इस कोर्स का दाम मैंने बहुत कम रखा है। नहीं तो मैं चाहूँ तो इस कोर्स का दाम बहुत ज़्यादा रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ें बहुत अच्छी डाली हैं और समझने लायक है। आप हिंदुस्तान के बाकी लोगों को अगर टैली करोगे तो आपको लगेगा कि इसमें आपको बहुत कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्स आप परचेस करेंगे। अब ये कैसे परचेस करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की लिंकें देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको कंप्यूटर पर भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर भी कर सकते हैं और iOS पर भी। अगर आप iOS की बात करें तो आप iOS में जब एसेस करेंगे तो आपको माय इंस्टीट्यूट का ऐप दिखेगा, जिसको आप ओपन करेंगे डाउनलोड करके, और उसमें एक ORG कोड होगा। आप ORG कोड आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें है FX। तो ये कोड को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और इस कोड को मैं यहाँ पर डालूँगा पेस्ट और वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ पर फिर वो आपसे आपका नंबर मांगेगा, ऑब्वियस है। मैं अपना नंबर यहाँ पर टाइप करूँगा और प्रोसेस करूँगा, OTP आएगा, OTP मैं डालूँगा और आगे प्रोसेस करूँगा। तो ये करने के बाद मैं तब जाके जो मेरा कोर्स का कंटेन है वो खुलेगा और आप मेरे कोर्स को एसेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने iPhone 6 मास्टर कोर्स के अंदर जाना है और फिर आप यहां से उसको परचेस कर सकते हैं। हालांकि यहां पर बाय का बटन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये, और ये मेरा खुद का है तो इसलिए मुझे बाय नहीं आएगा, तो आपको बाय का बटन यहां पर देखना है। सेकेंडली थिंग,
आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप से कोर्स परचेस कर सकते हैं, अगर आप नेपाल से देख रहे हैं, आप कतर से देख रहे हैं, आप यूएई से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के खासतर लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि भैया ये आप भी ले सकते हैं अगर आपके यहाँ इंटरनेट है। ये पूरे दुनिया में कोई भी कंट्री ये यूज़ कर सकता है। आपने बस क्लिक करके गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से बाय करना है, पर एक कूपन कोड डाल लेना। फिलहाल जो भी मैं आपको दे रहा हूँ आईफोन कैपिटल लेटर, तो कूपन कोड डालना आईफोन कैपिटल लेटर और कूपन कोड डालने के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आईफोन 15% ऑफ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये कूपन कोड डालना आईफोन कैपिटल, देखो हैव अ कूपन कोड, तो यहाँ पे अप्लाई हियर में डालना और यहाँ पर आईफोन इसको अप्लाई कर देना। तो अब आपका ये देखो, ये जो कोर्स था जो 6000 समथिंग का था वो हो जाएगा 5932 रुपये का, तो टोटल 61% ऑफ हो गया आपका। और फिर उसको आप बाय पे क्लिक करना, अपना नाम, अपना नंबर और अपना ईमेल, अपने स्टेट डालना, तो करना, तो आप इसे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। फिर आपके एक साल आप वैलिड हो जाएंगे इस कोर्स को देखने के लिए, जो कि बहुत होगा। 35 चैप्टर आप एक साल के अंदर, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप देख लेंगे। तो आप इसको तीनों जगह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको अपने पीसी से भी चला सकते हैं, आप इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, आप गूगल प्ले स्टोर में सिर्फ एशिया टेलीकॉम सर्च करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, सिर्फ आपको एशिया टेलीकॉम सर्च करना है और आपको एशिया टेलीकॉम का यहाँ पर ये देखिए ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा और आपको इसको इंस्टॉल करना है और आपको सिर्फ बाय बटन पे क्लिक करना है। iOS में आपको सिर्फ ये कोड ORG कोड को क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत मेहनत से बनाया है और बिलीव मी, विश्वास मानिए, मैंने हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को देखा है और मैं जानता हूँ कि किस लेवल पे स्टडी दी जा रही है। और पर देखो, चीज़ों को बताना और चीज़ों को बाईपास करके बताना दोनों में ही बहुत अंतर है, आप भी समझते हैं बात। तो और जो लोग स्पेशली घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि सर हम तो घर से भी नहीं जा सकते और हमें कोर्स चाहिए, तो उन लोगों के लिए तो बहुत एक अच्छी बात है। ये सिर्फ आईफोन के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ एंड्रॉयड के लिए आप कोई मैसेज कोई कॉल मत करो। एंड्रॉयड में हम प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं और एंड्रॉयड हमारा ऑफलाइन कोर्स है। और हमारा एंड्रॉयड में आप अगर आना चाहें तो हमारे कॉल दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बट अगर आप हमारा आईफोन कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। और दोस्तों एक जस्ट अभी 20 तारीख तक मैं इसमें आईफोन एक्स भी लॉन्च कर दूंगा। अभी एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो अगर आईफोन 6 अभी यहाँ पर लेता है, आईफोन एक्स उसके लिए जस्ट 50% ऑफ हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने भी अभी जिस डेट से वीडियो डल रहा है, जिस डेट से लॉन्चिंग डेट तक अगर ये कोर्स परचेस करेंगे, तो उनको मैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको 50% ऑफ का कोड दे दूंगा। जब मैं आईफोन एक्स लॉन्च करूंगा तो उनको आईफोन एक्स 50% ऑफ में मिल जाएगा। मतलब वो कोर्स भी मैं तकरीबन 6500-7000 में परचेस कर मतलब देने वाला हूं, तो वो मान को 3500 में आईफोन एक्स का डिस्प्ले सर्किट कैसे काम करता है, आईफोन एक्स का फेस आईडी कैसे काम करता है, सर्किट कैसे काम करता है, बना तो भाई कोई भी देगा दुकान वाला, पर काम कैसे, सर्किट का नॉलेज, पीसीबी बोर्ड पे कैसे काम कर रहे हैं, कब हमें सीपीयू रिबॉल करना है, हर एक चीज़ की मैंने वहाँ पर जानकारी दी है। मिड लेयर कैसे रिबॉल करना है, टच सर्किट कैसे काम करता है, टच आईसी कहाँ लगी होती है, कौन कौन से कंपोनेंट टच में लगे होते हैं, सारी चीज़ बहुत ईमानदारी से आपको वहाँ पर दी है। तो इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए और जितना हो सकता है इस कोर्स को लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मुहिम है घर घर तक एंड्रॉयड वालों को आईफोन पहुँचाना। थैंक यू वेरी मच, और बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला, और ऑल द बेस्ट, यूँ ही काम करते रहिए, मोटिवेट रहिए अपनी लाइफ को, स्किल। मैंने हमेशा कहा है लोगों से, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे, एक गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप के साथ गुरु का आशीर्वाद, और एक आपकी स्किल। आपके पास अगर ये दो होगी तो आप जहाँ भी खड़े हैं ना वो जन्नत ही है। तो अपनी जन्नत को पहचानिए और मेहनत करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।